हाय एवरीवन, मैं हूं नवनीता और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिक्स वेज अचार। फ्रेश वेजिटेबल से बना ये अचार खाने में थोड़ा क्रंची और थोड़ा खट्टा होता है। इस अचार की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे ना ही तो धूप में रखना पड़ता है और ना ही खाने के लिए वेट करना पड़ता है। आप इसे तुरंत ही बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाने की रेसिपी काफ़ी सिंपल है और हम इसे बहुत ही कम मसाले के साथ बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। मिक्स वेज अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बारीक कटी हुई फूल गोभी, 1 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1 कप फ्रेश मटर, 1/2 कप बारीक कटे हुए बेबी कॉर्न, 1/2 कप बारीक कटे हुए बीन्स, 1/2 कप लहसुन और 1/4 कप बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। सब वेजिटेबल को हम इस तरह छोटा छोटा कट करके ही लेंगे क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बनाने वाले हैं और अगर पीस छोटे रहेंगे तो ये तुरंत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इन सब सब्जियों को कट करने से पहले अच्छे से धोकर पोंछ लें, उसके बाद ही कट करें। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। वैसे तो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट लहसुन है जिससे अचार का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, पर अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लहसुन को हम डायरेक्ट ही अचार में नहीं डालेंगे, इसे या तो इस तरह हल्का कूट कर डालें। अगर आप इसे डायरेक्ट ही डाल देते हैं तो अचार में लहसुन का फ्लेवर अच्छे से नहीं आएगा, या फिर इस तरह बीच से चाकू से आधा काट कर भी डाल सकते हैं, इसके पीस नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह हम सारे लहसुन को हल्का क्रश करेंगे। तो ये सारे लहसुन को मैंने इस तरह हल्का क्रश कर लिया है। अब जो बाकी के मसाले हमें लगने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप विनेगर। ये 2 तरह का आता है, वाइट और ब्लैक, तो हम यहाँ पर वाइट विनेगर ही लेंगे। 1 छोटे चम्मच कलौंजी, 1 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटे चम्मच मेथी, 2 बड़े चम्मच पीली सरसों, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, नमक और सरसों का तेल। हम अचार को सरसों के तेल में बनाने वाले हैं। तो यह मैंने लिया है पूजा गोल्ड सरसों का तेल। ये पश्चिमी राजस्थान की सरसों से बना 100% शुद्ध कच्ची घनी सरसों का तेल है। तो जब भी आप कोई अचार बनाते हैं तो इसे सरसों के तेल में ही बनाएं, क्योंकि इसमें जो तीखापन होता है उससे अचार में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब जो साबुत मसाले हमने लिए थे उन सबको एक एक करके एक बाउल में डालेंगे, और जब इन सबको मिक्स कर दिया जाता है तो ये बन जाता है पंचफोरन का चौंक, यानी कि हमने इसमें 5 अलग अलग मसाले डाले हैं। पंचफोरन में सब मसाले लगभग बराबर डाले जाते हैं, पर हमने इसमें सौंफ और राई थोड़ी ज़्यादा करके डाली है क्योंकि हम इसे अचार में डालने वाले हैं, और अचार में राई और सौंफ थोड़ी ज़्यादा करके डाली जाए तो फ्लेवर अच्छा आता है। और इस पंचफोरन को बहुत सी रेसिपीज़ में काम लिया जाता है। अगर आप इससे एक सिंपल आलू की सब्जी भी बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब एक पैन में 1/2 कप सरसों का तेल डालेंगे और इसे हल्का गर्म करेंगे। अगर आपको सरसों तेल का तीखापन पसंद नहीं है तो इसे हल्की धुआं निकलने तक गर्म करें, फिर इसे ठंडा कर काम में लें। ऐसा करने से इसके अंदर जो तीखापन होता है वो कम हो जाएगा। ऑयल हल्का गर्म हो गया है तो अब हम इसमें पंचफोरन डालेंगे और इन्हें हल्का भून लेंगे। हमें इनका कलर चेंज नहीं होने देना है, हल्का ही भूनना है ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। ये मसाले हल्के भून चुके हैं तो अब इसमें एक एक कर सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। इसमें वेजिटेबल आप अपनी चॉइस से कुछ और भी डाल सकते हैं, पर इन्हें इस तरह बारीक चॉप करके ही ले तो अचार ज़्यादा अच्छा बनेगा। जब हम इस अचार को खाते हैं तो हर बाइट में सब सब्जियों का टेस्ट भी आता है और ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती हैं। ये हरी मिर्ची काफ़ी तीखी है तो हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालेंगे, और अगर आप मोटी या कम तीखी वाली डालते हैं तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर अचार के कलर को थोड़ा ब्राइट करने के लिए, नमक, तो यह मैं 3 बड़े चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करेंगे और इसे बीच बीच में मिलाते रहेंगे। ऐसा करने से वेजिटेबल्स के अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें विनेगर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। विनेगर डालने से अचार में एक अलग सा फ्लेवर और खट्टापन आता है, और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है जिससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पर विनेगर के आधा होने तक फिर से कुक करेंगे।
अब जो विनेगर हमने इसमें डाला था वो पककर आधा ही रह गया है, तो हमें ये इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। और ये वेजिटेबल भी हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का क्रंची रखना है। तो अचार हमारा बन चुका है, अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इंस्टेंट मिक्स वेज अचार बनकर तैयार है, आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं। पर कुछ घंटों के बाद जब सब सब्जियां और मसालों के फ्लेवर आपस में मिक्स होंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अचार ठंडा हो चुका है तो आप इसे इस तरह किसी एयरटाइट कांच के जार में भरकर महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और फ्रिज में कम से कम 2 से 3 महीने तक रखकर खा सकते हैं। इसे आप चपाती, पराठा, राइस किसी के भी साथ में खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और अचार हमारा बहुत ही अच्छा बना है। तो अगर घर में कोई और अचार न हो और मन हो जाए खाने का, तो आप इस इंस्टेंट रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।